ऑड इवन पर नहीं लगेगी रोक। एनजीटी ने सरकार के फैसले को दी मंजूरी। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन। टू व्हीलर पर भी लागू रहेगा ऑड इवन। महिलाओं और अधिकारियों को भी नहीं मिलेगी छूट। अगले दो दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। प्रदूषण से मिलेगी राहत। 16 नवंबर से आएगी तापमान में गिरावट। दिल्ली में मौसम और सरकार की मेहरबानी से आबोहवा में फर्क नजर आने लगा है। पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में कुछ कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी भी बीते तीन दिनों के मुकाबले बेहतर रही। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी पार्टिकुलेट मैटर्स का खतरा बरकरार है। एक तरफ बात महिला सुरक्षा की तो दूसरी ओर दिल्ली की अंधेरी सड़कें। वहीं रिंग रोड पर राजघाट से आईएसबीटी की ओर जाने वाली सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट जलती नजर नहीं आई, जिससे हादसों को खुला न्योता मिल रहा है। ऑड इवन को लेकर दिल्ली में राजनीति शुरू। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने ऑड इवन के फैसले को बताया तुगलकी फरमान, तो नुपुर शर्मा बोली, आंखों में धूल झोंक रही है केजरीवाल सरकार। कोर्ट ने सिविक एजेंसियों को लगाई फटकार। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते कोर्ट ने सिविक एजेंसियों को फटकार लगाई है। वहीं एनजीटी ने भी प्रदूषण के चलते किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद नियमों और कानून को ताक पर रखकर निर्माण कार्य जारी है। हर इलाके में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता दिखाई दिया। वहीं पुरानी दिल्ली के मोरी गेट के राम बाजार में दो बिल्डिंग साइटों पर निर्माण चल रहा था। नोएडा समेत यूपी के 20 शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर राजेश्वर सिंह यादव के ठिकानों पर छापा मारा। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 61, 44 और सेक्टर 52 में छापेमारी की गई है। आयकर विभाग ने दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, एटा समेत कई जगहों पर छापेमारी की। वहीं नोएडा में राजेश्वर सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी और अवैध संपत्ति कमाने के पुख्ता सबूत होने पर छापेमारी की गई।